चलिए बच्चों अब हम शुरू करते हैं लैंग्विन थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म अभी आपने जो पढ़ी थी पिछले डायटॉमिक की पढ़ी थी लैंग्विन थ्योरी अब हम पैरामैग्नेटिज्म की पढ़ेंगे इन दोनों में से एक आएगा लेकिन ये है होते बहुत मुश्किल है इसे लास्ट में करा रहा हूँ इसमें भी पिछली बार लार्मर बार की बातें थी जो थर्ड ईयर का टॉपिक है इसमें भी आएगा बोल्डसमैन के बारे में जो आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे तो ये अभी टॉपिक सब आगे के हैं जो यहाँ आ जाते हैं तो इन्हें याद ही करना पड़ता है

के मतलब लिखा नहीं molecular dipoles है नॉट शो एनी मैग्नेटाइज बिकॉज द एटॉमिक और मॉलिकुलर द थर्मल एजिटेशन जो उसके अंदर मॉलिकुलर डाइपोल्स हैं या एटॉमिक हैं वो अलग अलग दिशाओं में बिखरे पड़े हैं हिंस नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है उसका जीरो होगा कोई लेफ्ट में जा रहा है कोई राइट right में जा रहा है सब वो जीरो जब बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगेगी तो वो सब एक दिशा में आ जाते हैं और और वो खुद भी मैग्नेट बन जाता है कहता है व्हेन मटेरियल इज प्लेस्ड इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड

100% परसेंट ट्रू नहीं हो पाता क्योंकि उसके अंदर अपनी एनर्जी होती है थर्मल गर्मी के कारण वो पूरे तरीके से अलाइन नहीं बट एवरेज अलाइनमेंट प्रोड्यूस गिव राइज टू द नेट मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम पैरल टू द फील्ड दस The susceptibility of paramagnetic material is positive. उसकी susceptibility positive होती है क्योंकि अंदर ही अंदर वो align हो गया, which favours random orientation is more at high temperature. Hence, with the rise of temperature, मैग्नेटाइजेशन बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलिटी डिग्री जैसे जैसे हीट बढ़ेगी वो फिर जो एक, एक साथ अलाइन हो गए थे मतलब बाहर से लगाई गई मैग्नेटिक फील्ड के पैरल हो गए थे और वो फिर भी घट जाते हैं तो हीट बढ़ने से वो मैग्नेटाइजेशन कमजोर हो जाता है ससेप्टेबिलिटी कम हो जाती है अब कहता है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम क्रिएटेड बाय द अलाइनमेंट ऑफ मॉलिक्यूल Used, Boltzmann's classical statistics. अब ये तो सेकेंड ईयर का टॉपिक है आपको कहाँ से पढ़ा दूंगे तो हर साल का ही रोना है आप ही के साथ क्या है बरसों बरस से फर्स्ट ईयर के बच्चे इस, इस पर्टिकुलर टॉपिक पे पर रोते पीटते हैं तो उनसे कहना याद करो। बेल बोल्समैन ने कुछ नहीं कहा वो पर्टिकुलर एन, एनर्जी या टेम्परेचर के साथ ये बताते थे कि कहीं पे कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे

बस उनके बारे में उनकी संख्या बता देगा देखिए यहाँ पे जो अंदर ही अंदर मैग्नेटिक मोमेंट है उसकी दिशा थीटा है बाहर से लगाई गई फील्ड के बीच में तो थीटा और डी थीटा के बीच में कितने मैग्नेटिक मोमेंट बन जाएंगे मतलब कितने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे जो अपने अपने मोमेंट्स को रखते होंगे वो ये है डी बस यही बताता है बोर्ड्समैन की थ्योरी ये थीटा और डी थीटा के बीच में ये कैलकुलेट करने का तरीका निकाला है

एम एक चलिए फिर से देखिए हम्म एक इक्वेशन नंबर छूट गया था वो डाला है मैंने तो देखिए यहाँ पे ये यह है ना डी एन की वैल्यू ये मैंने इक्वेशन थ्री डाल दिया है ये वैल्यू ये यह यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें ये करने के बाद वही कॉस थीटा को वाई और दोबारा इंटीग्रेट करिए और साहब ये इतना बन गया अब इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर देंगे फर्स्ट फंक्शन वाई दूसरे का इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन फिर दोबारा एक्स नीचे तो एक्स लिमिट लगाइए और बस इसको आप एक्स x कॉमन ले, ले लेंगे दो जगह पे है इन दोनों को अलग और ये अलग ये एक बन जाएगा cos हाइपरबोलिक और ये sin हाइपरबोलिक और 2a देखिए ये जो आया है पुटिंग फ्रॉम इक्वेशन फोर से 2a upon x कितने के, के बराबर n upon sine hyperbolic x ये इक्वेशन यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल दीजिए तो ये जो भी है ना यहाँ पे x था नीचे 2a upon x की वैल्यू डाली ये इतने के बराबर है इसको आप l s l x मान लीजिए ये जो भी आया है ये divide करेंगा sine hyperbolic से यार ये कॉट बन जाएगा ये 1 upon x आ जाएगा वेयर m s बराबर Field ke आ जाते हैं और ये जो ट्रम है यही लैंग फंक्शन होता है इसको एलेक्स से शो करते हैं अरे यार ये मोमेंट है ये तब है जब आपने देखिए कहानी का सार क्या था जो आपने स्पेसिमेंट ले रखा है उसके अंदर अपने अपना सब सारा वो आपके जो इलेक्ट्रॉन है अपनी ऑर्बिट में घूम रहे हैं उनका अपना मूवमेंट है बाहर से फील्ड लगाई तो वो अपने हिल के फील्ड की तरफ को होने की कोशिश करेंगे लेकिन वो फील्ड के साथ हंड्रेड परसेंट नहीं हो पाते हैं ये है ना लगी हुई फील्ड भी, भी इसके साथ नहीं हो पाएंगे बल्कि थी टा एंगल पर मुड़े हुए तो बस आपने यही निकालना है कि कितने मॉलिक्यूल यहाँ पर मौजूद हैं उनके क आपने ये संख्या निकाली तीन ये आ गई यहाँ पर और फिर उसको इंटीग्रेट किया इसी में देर लगी एंड निकालने में

For the the large values of x, the function tends to unity. Saturated being reached when all फॉर द लार्ज वैल्यूज ऑफ एक्स देंटीड बीचम्सूल जब एल एक्स की वैल्यू मतलब एक्स देखिए कह रही ना फॉर लार्ज वैल्यू एक्स की बहुत ज्यादा वैल्यू होने पर एल एक्स की वैल्यू लगभग वन हो जाती है मतलब ये वो जगह है जहाँ पे आपके इस के अंदर जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है उसके जितने भी डाइपोल है वो बाहर से लगाई गई फील्ड के पैरल हो जाते हैं

एम एस या एन एम इन एक्स अपॉन थ्री अब x की जो वैल्यू शुरू में मान ली थी अरे यार ये मान रखी है भूलना मत रटे मान्य है ये मानी थी ये सब कर दीजिए या आपने x की वैल्यू डाल दी तो यहाँ पे यहाँ डाली m इतना आ गया लेकिन वही b टोटल मैग्नेटिक फील्ड दोनों का सम होता है m जो है वो स्मॉल है उसे छोड़ दीजिए वो इतने के बराबर होगा b की वैल्यू को यहाँ रखिए m बराबर इतना आ गया वेक्टर फॉर्म में दोनों पे वेक्टर लगा दिया ये माइनस माइनस कुछ ना है ये लाइन है पूरी ये तो लाइन तो दोनों क्योंकि पॉजिटिव है दोनों की दिशा एक ही है एक्स टाइम कितना होता है दोनों को डिवाइड कर देंगे तो अपॉन एच करने पर यही बच जाएगा बस एमोपोन एच कर दी जाइए कहता है फॉर मोस्ट ऑफ द द पैरामैग्नेटिक मटेरियल वैल्यू ऑफ काई एट रूम टेंपरेचर कम्स आउट टू बी इतना व्हिच इज एन अरेंजमेंट विद द एक्सपेरिमेंटल मतलब काई की वैल्यू रूम टेंपरेचर पे इतनी आती है जो एक्सपेरिमेंटली इतने ही के बराबर है

बाय वेस्ट थ्योरी हम अगले वीडियो में करेंगे ये बहुत ज़्यादा लंबी थ्योरी होती है और शायद ही कभी आई हो आपके एग्जाम में लेकिन मेन आपके यही दो आर्टिकल थे इनको थोड़ा सा मुश्किल पड़ते हैं काफ़ी क्योंकि और मैंने भी बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाया क्योंकि इसमें अब आपको ये देख के फार्मूले डी एन एन बच्चा डर जाता है लेकिन डरना नहीं होता है बस याद करना है जैसे तैसे भाई से याद कर लीजिए ठीक है ओके अच्छा